सात्वी को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचाते हैं। सबको लगता है गर्भ नष्ट हो गया। ये बालक कौन थे? बलराम। अब बारी आती है आठवीं संतान की। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, मोटी ऐसी वर्षा कभी नहीं हुई है जो उस वक्त हो रही है। मोर नाच रहे हैं, सब पशु नाच रहे हैं कि आइए प्रभु जल्दी आइए। गैयाएं नाच रही है कि गैयाओं को पालने वाला गोपाल आने वाला है। भगवान पूरे 9 महीने नहीं लेते हैं, क्योंकि कंस ने पहले ही बोल के रखा था, तो कंस खुद ही पहुंचता था। तो भगवान ने 9 महीने पूरे उस समय से पहले पैदा होते हैं। तो यहां पर मध्य रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में कारागार के अंदर मथुरा में छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद भगवान कहते हैं समय नष्ट मत करो, क्योंकि भगवान जब जन्म लिए कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, बेड़ियां अपने आप खुल गई, सैनिक सो गए। भगवान वसुदेव जी से कहते जल्दी जल्दी मुझे गोकुल लेकर जाओ, वहां पर नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, मुझे वहां सुला देना और वहां एक कन्या सो रही होगी, उस कन्या को अपने साथ ले आना। आइए, नंद उत्सव तब मनाया जाता है जब नंद गांव पहुंचते हैं। तो अभी सब बैठे रहे, वसुदेव जी को जाने का रास्ता दे, कोई भी खड़े ना हो अपने रास्ते जगह से, क्योंकि आप सब खड़े होंगे बाद में नृत्य करेंगे, अभी सब बैठे रहे। जेल में प्रकटे कृष्ण कन्हैया, सबको बहुत बधाई है, बहुत बधाई है सभी को, बहुत बधाई है, बहुत बधाई